खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वायु तूफान को हराना है, वायु तूफान पर विजय पाओ, इसी उद्देश्य के साथ एबीपी न्यूज आज सुबह से आपके सामने रख रहा है बड़ी कवरेज। शानदार 3D ग्राफिक्स के साथ एक मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे गुजरात के तटीय इलाकों में ये वायु तूफान टकराने वाला है। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाताओं की फौज पल पल की अपडेट गुजरात के हर इलाके से आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ इस तरह से चक्रवाती तूफान ये उठेगा और ये जो तस्वीर है ये सिर्फ आप समझ लीजिए ग्राफिक्स है, जो असल में तस्वीर होगी चक्रवाती तूफान की वो भयानक होगी, डरावनी होगी। चक्रवाती तूफान वायु आज गुजरात के तटों से टकराने वाला है। इस तूफान के गुजरात के द्वारका और वेरवाल के बीच टकराने की उम्मीद है। गुजरात के तटों से टकराने से पहले वायु तूफान बेहद गंभीर श्रेणी में आ गया है। इस दौरान हवा की जो रफ्तार होगी वो 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी आ सकती है। वायु तूफान को देखते हुए गुजरात के तटीय जिलों के साथ 3 लाख लोगों को पहले सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था, अब ये संख्या हो गई है 10 लाख। साथ ही NDRF ने 52 टीमें रेस्क्यू और राहत कार्य में लगाई हुई हैं। वहीं कोस्ट गार्ड्स, नौसेना, वायुसेना सबको स्टैंड बाय में रखा गया है। वायु तूफान के दीव में भी जबरदस्त असर पड़ने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए दीव में 10,000 लोगों को निकाला गया है। कुल मिलाकर गुजरात के 10 जिले ऐसे हैं जो कि वायु तूफान के रडार में रहेंगे, इसीलिए प्रशासन पहले से ही है चुस्त। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें भी हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी, जहां आरती तो होगी लेकिन वहां पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को ना आने की सलाह दी गई है। वहीं पहली तस्वीर आपके सामने पोरबंदर के तट की है, जहां सबसे पहले टकराने वाला है ये वायु तूफान। सुरक्षित स्थानों पर करीब 3 लाख से 10 लाख लोगों को पूरे गुजरात में पहुंचाया गया है। वायुसेना, नौसेना और थल सेना अलर्ट पर है। NDRF की 52 टीमें लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, इसीलिए बड़ी कवरेज में हमने न सिर्फ पूरे ग्राफिक्स के साथ, हर डिटेल के साथ स्टूडियो से की है तैयारी, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं की फौज भी आपको हर पल की जानकारी दे रहे हैं। तटों से टकराने से पहले गुजरात में वायु तूफान ने अपना असर शुरू कर दिया है। जी हाँ, वायु तूफान के चलते गुजरात के कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं फिलहाल चल रही है, लेकिन जो वक्त रखा गया था वो 10 बजे के बाद कभी भी रखा गया था, लेकिन अभी असर दिखना शुरू हो गया है। जो तटीय इलाके हैं वहां हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आप उन तटीय इलाकों की देख रहे हैं, कहीं मौसम खराब है, कहीं बारिश हो रही है, लेकिन हवाएं हर जगह हैं। विकराल वायु से दो दो हाथ करने के लिए गुजरात पूरी तरह से तैयार है। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी वक्त चक्रवाती तूफान वायु द्वारका और वेरावल के बीच टकराएगा। वायु कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस दौरान हवा की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा भी पहुंच सकती है। तट से टकराने के बाद 24 घंटे तक असर रह सकता है। यही वजह है कि इस तूफान को बेहद ही गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इतनी तेज विंड से हर चीज को वो उड़ा ले जाएगी अपने साथ, कच्चे मकान तो बिल्कुल टूट जाएंगे, और जो लहरें ऊंची ऊंची उठेंगे 15 से 20 फीट के लगभग, तो वो लहरें जो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जो भी होगा उसको अपने साथ उठा करके नष्ट कर देंगे। अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान वायु गोवा से होते हुए धीरे धीरे विकराल रूप लेते हुए गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। ओडिशा ने पूरे देश को सिखाया है कि फोनी जैसे खतरनाक तूफान से अगर वक्त से पहले तैयारी कर ली जाए तो हराया जा सकता है। वायु से भी उसी जज्बे के साथ गुजरात और केंद्र सरकार लड़ रही है। हम वो हिंदुस्तान है जिसने फोनी जैसे भीषण चक्रवाती तूफान का फन कुचल दिया, और इस बार बारी वायु की है। चक्रवाती तूफान वायु से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पानी हिट करेगा, कल पानी की लहरें उठेगी रात में। हालात से निपटने के लिए NDRF की 52 टीमें तैनात की गई हैं। तीनों सेनाओं और कोस्ट गार्ड को अलर्ट पर रखा गया है। विमान और हेलीकॉप्टर से हवाई निगरानी की जा रही है। गुजरात के 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।
राहत शिविरों में जरूरी सामान पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। कोस्टल एरिया में जो भी लो लाइन एरिया है तो उन सबों से जो रिस्की बिल्डिंग से खाली कराया गया है तथा सेफ जोन में और शेल्टर हाउस में लोगों को शिफ्ट किया गया है। चक्रवाती तूफान वायु जैसे जैसे गुजरात के करीब आ रहा है बेचैनी बढ़ती जा रही है। हालांकि तैयारी देखकर हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के हौसले के आगे वायु हारने वाला है। गोवा से ये तूफान टकरा चुका है, कोई तबाही नहीं मचाई, लेकिन असल डर तो गुजरात को लेकर है। वो कौन कौन से 10 जिले हैं? जी हाँ, कुल मिलाकर वो 10 जिले हैं गुजरात के जहाँ खतरा सबसे ज्यादा है, हम आपको दिखा रहे हैं। जब चक्रवाती तूफान वायु गुजरात के तटों पर दस्तक देगा तो समुद्र की लहरें करीब 20 फीट तक उठ सकती है। इस तूफान से गुजरात के 10 जिले प्रभावित हो सकते हैं जहाँ हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सौराष्ट्र और कच्छ पर इस तूफान का सबसे ज्यादा खतरा दिखाई देगा। जहाँ जहाँ तूफान का खतरा है वो है गिर सोमनाथ, पोरबंदर, अमरेली, जामनगर, द्वारका, कच्छ, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और दीव। लेकिन इन जिलों से लाखों लोगों को पहले ही सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करना, वो पावर हो, रास्ते हो, और पूरी तैयारी करके मानव बल संसाधन के साथ पूरे विस्तार में डाल दी गई है। जिस भी जगह वायु के विकराल रूप धारण करने की संभावना है वो पूरा इलाका खाली करा दिया गया है। जानवरों को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है ताकि बाद में बीमारी ना फैले। समुद्री तटों से 10 किलोमीटर तक की दूरी पर आज सुबह से ही बिल्कुल सन्नाटा है। न सिर्फ स्टूडियो इस मैप के जरिए हेल्पर की डिटेल आपको हम दे रहे हैं, हमने ग्राउंड जीरो में हमारे संवाददाताओं की फौज तैयार की है गुजरात के हर इलाके में आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए। गुजरात के कच्छ लिए चलते हैं आपको, जहां कांडला पोर्ट पर अभी क्या माहौल है मेरे सहयोगी निकुंज आपको बता रहे हैं। स्काईमेट के मुताबिक गुजरात से वायु साइक्लोन सीधे टकराएगा नहीं, परंतु उसकी जो असर है वो गुजरात के तटीय इलाकों में महसूस होगी, और इससे एहतियात के भाग रूप से कल से ही जो राहत शिविर बनाई गई है वहां पर लोगों को रखा गया है। कच्छ के कंडला पोर्ट की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर सभी लोगों को स्कूल कॉलेजेस जो यहाँ के एनजीओ है उनके जो कम्युनिटी हॉल है उनको एक राहत शिविर के तौर पर बनाया गया है। वहाँ पर तटीय इलाकों के जो मछुआरे हैं उनको रखा गया है। खासतौर पर स्काईमेट का जो अनुमान है उसके हिसाब से जो वायु साइक्लोन है उसकी जो दिशा है वो थोड़ी चेंज हुई है। पहले वो वेरावल से द्वारका के बीच हिट होने वाला था, स्काईलेप होने वाला था, पर अब वो वहाँ पर सीधा हिट नहीं होगा, पर उसकी जो असर है वो पवन की गति से, बारिश के स्वरूप से जरूर से देखी जाएंगी, और उसके एहतियात के भाग रूप से यहाँ पर शिविरार्थियों को रखा गया है। जब तक स्थानिक प्रशासन इनको क्लीन चिट नहीं देता यहाँ के लोगों को अपने मूल जगह पर जाने के लिए, तब तक इनको यहाँ पर रखा जाएगा। और खासतौर पर माना जाता है कि पूरे कच्छ जिले से तकरीबन 17,000 लोगों को विस्थापित किया गया है उनके जो तटीय क्षेत्र से राहत शिविर तक, और उनको जब तक ये खतरा टल नहीं जाता तब तक इन राहत कैंपों में रखा जाएगा। कैमरामैन करण प्रजापति के साथ निकुंज जानी, एबीपी अस्मिता, कंडला पोर्ट। इस तरह के तूफानों का अलर्ट कौन देता है? मौसम विभाग। मौसम विभाग इस तूफान को लेकर क्या कह रहा है आपको देखना चाहिए। फिलहाल दबहरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट कुछ क्षण के लिए करेगा, उसका बाद नॉर्थ वेस्टर्ली मूवमेंट करेगा और वो आफ्टरनून तक स्किट करेगा हमारा सौराष्ट्र कोस्ट। वो स्किट करने का टाइम में उसका विंड स्पीड रहेगा 135 to 145 किलोमीटर, गस्टिंग टू 160 किलोमीटर पर आवर, और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट रहेंगे दीव, गिर सोमनाथ,
जूनागढ़, पोरबंदर, देवभूमि, द्वारका, उसमें भारी से अति भारी, कभी कभी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है। पूरा सौराष्ट्र को बारिश मिलेगी और साउथ गुजरात को कुछ कुछ जगहों में बारिश मिलेगी। नॉर्थ गुजरात में कोई खतरा नहीं है, क्लाउड सिर्फ रहेगी, कहीं कहीं जगहों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी शाम को रहेगी। देखिए, ये हमने सीखा है उड़ीसा से कि किस तरह से अगर वक्त से पहले हम तैयारी कर लें तो बड़े से बड़े तूफान को हराया जा सकता है। इसीलिए गुजरात से लेकर दिल्ली तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार नजर बनाए हुए है। वायु तूफान की आहट से गुजरात अलर्ट मोड पर है। अधिकारी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राज्य के 10 जिलों पर इसका असर दिखाई देगा। ऐसे में राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक की नजर हालात पर बनी हुई है। 10 से 10 डिस्ट्रिक्ट में सीनियर मिनिस्टर को वहां स्टैंड टू कर दिया है। हमारे सीनियर सचिव यानी के सेक्रेटरीज को वो भी वहां स्टैंड टू कर दिए गए हैं और सभी हमारे कर्मचारी, सभी अधिकारियों की भी जितनी रजा पर यानी के हॉलीडे पर थे वो सब भी कैंसिल किया है और सबको स्टैंड टू और ड्यूटी पर लगाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी दिल्ली से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, मैं लोगों की सलामती की प्रार्थना करता हूं। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। कल से ही पोरबंदर, सोमनाथ और जामनगर के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की आहट महसूस हो रही है। आज दोपहर के वक्त जब वायु विकराल रूप लेगा तो तस्वीर और चिंताजनक हो सकती है। आशंका तो भूस्खलन की भी है। एबीपी न्यूज ने इस बड़ी कवरेज के जरिए न सिर्फ ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाताओं की फौज खड़ी की हुई है बल्कि स्टूडियो में भी हमने पूरी तैयारी की है। एक अलर्ट सेंटर हमने बनाया है जो तमाम डिटेल्स आपको इस तूफान को लेकर दे रहा है। आस्था बताएं। तो वायु अलर्ट सेंटर जो जानकारी हमारे दर्शकों को देने जा रहा है वो बेहद अहम है क्योंकि तूफान को लेकर यदि आप भी अलर्ट पर हैं, उन जिलों से आते हैं जहां पर तूफान आने वाला है या प्रभावित जिले हैं, तो कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। खास तौर पर रेल और हवाई यातायात से जुड़ी हुई ये जानकारी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। वायु तूफान आने वाला है और इस चक्रवाती तूफान ने आने से पहले ही गुजरात समेत पश्चिमी भारत पर कई तरह के असर डाले हैं। सड़क, रेल और हवाई यात्रा पर वायु ने आने से पहले ही बाधा डाल दी। गुजरात के 10 जिलों में अलर्ट है। अलर्ट वाले सभी 10 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। वायु तूफान के आने से 110 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 25 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया। पोरबंदर, भुज, दीव, केशोड और कंडला से उड़ानें बंद हैं। अहमदाबाद से भी कई उड़ानें रद्द की गयी। करीब 400 उड़ानों पर असर पड़ा है। प्रभावित होने वाले पोर्ट पर भी कामकाज ठप है। यहाँ और वाडीनार को मिला के सिर्फ 2 शिप अभी हमारे पास बंदर एरिया में है, बाकी सारे सुरक्षित गल्फ के एरिया में या हाई सी में जा चुके हैं। हमारे पास जितने भी क्रेन्स हैं, जितनी भी मशीनरी हैं, उन सबों को हमने सिक्योर कर दिया है, वो सारे प्रॉपरली सिक्योर हैं। समुद्री तट से लगते सैकड़ों गांव खाली करा दिए गए हैं। लाखों लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। जिन इलाकों के ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है वहां से विशेष ट्रेन भी चलाई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। बस इंतजार है तो उस वक्त का जब वायु को हराकर गुजरात फिर से पटरी पर लौट आएगा। देखिए, बात तो लगातार हम गुजरात के चक्रवाती तूफान की कर रहे हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये तस्वीरें भी आप देखिए। तस्वीरें ये हैं महाराष्ट्र की। जी हाँ, मुंबई से आ रही हैं तस्वीरें। हालांकि कल महाराष्ट्र को छूकर निकल गया तूफान लेकिन देखिए क्योंकि पड़ोसी राज्य गुजरात और महाराष्ट्र एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं। गुजरात में आज सुबह तूफान आने वाला है लेकिन मुंबई की ये लहरें बता रही हैं कि किस तरह का ये तूफान होने वाला है। ये वाकई डरावनी है। मुंबई की ये लहरें साफ तौर पर संकेत दे रही हैं कि अगर मुंबई में इस तरह का असर हो सकता है तो गुजरात में क्या होने वाला है। एबीपी न्यूज के बड़ी कवरेज, पल पल की डिटेल आपको देती रहेगी। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता, स्टूडियो से हम, हर जानकारी आप तक वायु तूफान को लेकर बताते रहेंगे। जारी है ये बड़ी कवरेज।